Welcome to Quality Coaching Academy. Bismillahir Rahmanir Rahim. Today we are going to discuss English test Quality Coaching Academy MCQ hai. Choose the correct spelling. Now the first one, agar aap yahan par dekhe, hamare paas aaya hai facsimile. अभी फैक्सिमिली किसको कहते हैं? बेसिकली इसका मतलब होता है डुप्लीकेट और कॉपी को कहते हैं. अभी यहाँ पर स्पेलिंग को देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर वन. नेक्स्ट वन, इफ आई डैश आई वुड नॉट साइन द पेपर. नाउ यहाँ पर देखिए, ये आपके पास क्या है? दिस वन इज कंडीशनल स्ट्रक्चर. ये हमारे पास कौन सा आता है? कंडीशनल. कंडीशनल के बारे में हम जब बात करते हैं तो बेसिकली ये आपके पास कम्प्लेक्स सेंटेंस निकलता है. कंडीशनल हमारे पास है, वन इज रियल एंड अनदर इज अनरियल. ये दो. रियल में वी हैव ज़ीरो कंडीशनल एंड फर्स्ट कंडीशनल. अनरियल वी हैव सेकेंड and we have third. Now the most important thing that is formula. आपने इसके structure और formula को समझना होगा तो आपको आसानी होगी. Real हमारे पास क्या होता है? That is happening in our day-to-day life. और unreal कौन सा होता है? That is imaginary, that is hypothetical. Now the first one, zero को अगर हम देखें तो zero का structure and formula, that is if plus present indefinite, and the second one is again present indefinite tense. Now we can also say present simple bhi hum keh sakte hai. Present indefinite, that is subject plus first verb s or es plus rest of the sentence. Ye hamare paas kya hai? Zero ka hai. First conditional ka structure kya hoga? The first conditional structure is if, when, plus present indefinite. The second one is future indefinite. Future indefinite hota hai subject plus will shall, first form of verb plus rest of the sentence. Now be careful in this one and be careful in this one. How? यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं. नाउ वेन एवर यू हैव सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फॉर एग्जांपल इफ, व्हेन, व्हाइल, आल्सो, अनलेस, अनटिल, एज सून एज, प्रोवाइडेड दैट एंड सो ऑन, बहुत सारे हमारे पास है. एंड यू आर पर्टेनिंग टू फ्यूचर, फ्यूचर की तरफ आप हवाला दे रहे हैं, यू मस्ट यूज प्रेजेंट इनडेफिनेट, नॉट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नॉट प्रेजेंट परफेक्ट, नॉट फ्यूचर इनडेफिनेट, नॉट फ्यूचर कंटिन्यूअस. आपने हमेशा प्रेजेंट इनडेफिनेट का इस्तेमाल करना है. लेट सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल मैंने ये कहा कि ही विल ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी टुमारो, अ कप ऑफ टी फॉर मी टुमारो. Now in this sentence, if you see, I am referring to future, and for future we have to use what? We have to use will or shall. Now if you recall, we discussed this point in detail. I or we ke saath we have to use shall. Other subjects in British English we have to go for will. Lekin maine aapko ye bhi bataya tha ki I or we ke saath we can use will. Other subjects we can use shall. लेकिन आपके पास क्या होगा? मानी चेंज होगा. Now the first one, यहाँ पर आपके पास जब चीज़ें क्या होती हैं? Not fixed, we go for it. When यहाँ पर आपके पास चीज़ें fixed होती है, we go for it. अभी यहाँ पर हमारे पास topic future नहीं है. अगर हम detail से discussion करें तो it will take बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा. यहाँ पर हमारे पास क्या है? यहाँ पर हम जब भी फ्यूचर के बारे में बात करेंगे वेल और शल होगा, और ही के साथ हमारे पास वेल आया है. इफ़ यू यूज सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिफोर दिस वन, आपके पास इफ़ भी हो सकता है, एज सून एज हो सकता है, यहाँ पर वेन हो सकता है,
आल्टो हो सकता है या कोई और आपके पास, और आप फ्यूचर की तरफ इशारा करते हैं। तो इन अल्फाज के बाद याद रखिए वेल शल का इस्तेमाल नहीं होगा, यू हैव टू गो फॉर प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। नाउ यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर मैंने क्यों प्रेजेंट इनडेफिनिट लिखा, यहाँ पर क्यों प्रेजेंट इनडेफिनिट लिखा, द रीज़न इज दिस वन सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये हमारे पास फार्मूला हुआ जीरो और फर्स्ट का। द नेक्स्ट वन द फार्मूला इज दैट इज सेकंड कंडीशनल। सेकंड का हमारे पास है इफ प्लस पास इनडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट वर्ब रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। पास इनडेफिनिट हमेशा सब्जेक्ट होगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, और यहाँ पर हमेशा वर्ब। इसकी जगह आपके पास कुड भी आ सकता है, इसकी जगह आपके पास माइट भी आ सकता है। नेक्स्ट वन हमारे पास है दैट इज थर्ड कंडीशनल। नाउ थर्ड कंडीशनल इफ प्लस पास परफेक्ट और सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस थर्ड वर्ब एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। वुड की जगह आप कुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और माइट का। पास परफेक्ट आपके पास है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड वर्ब एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। नाउ एम सी क्यू की तरफ आते हैं, तो एम सी क्यू हमारे पास है इफ आई डैश यू आई वुड नॉट साइन। अभी यहाँ पर बहुत सिंपल सा ट्रिक है, अगर मैं आपकी जगह होता, जब आपकी जगह है इट मीन दिस इज अनरियल, व्हेन दिस इज अनरियल इट इज इमेजिनरी। इमेजिनरी के लिए हमारे पास क्या होगा, बहुत सिंपल सा ट्रिक है, आई के साथ आप वॉज का इस्तेमाल करते हैं जब सिचुएशन रियल हो, आई के साथ हम वर का इस्तेमाल करेंगे व्हेन सिचुएशन इज अनरियल। तो यहाँ पर अनरियल है तो ऑप्शन आपके पास होगा इफ आई वॉज यू नहीं होगा, इफ आई वर यू होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट वन। नाउ इलेशन मीन्स इसका मतलब होता है फीलिंग जॉय एक्सटेसी, आपके पास हैप्पीनेस को कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास है ऑप्शन नंबर ए एक्सटेसी इज द करेक्ट वन। फार्स, फार्स का मतलब बेसिकली होता है कॉमेडी को। अभी यहाँ पर हमारे पास कॉमेडी भी आता है और यहाँ पर आपकी कोई नकल जो उतारता है उसको हम कहते, तो यहाँ पर आपके पास पैरोडी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है एनेमिकल, यहाँ पर बी केयरफुल, इसी वजह से हम स्टूडेंट गलती करते हैं। फहमुल सवाल निसफुल जवाब, सवाल को अंडरस्टैंड करें, सवाल में पूछा क्या जा रहा है ना, फिजिक्स है केमिस्ट्री है बायो है कोई भी है, यू हैव टू बी केयरफुल, सवाल में मांग क्या रहा है। हम जैसे लफ्ज को देखते हैं हमारे ध्यान में होते हैं सर ने हमें पढ़ाया है, किसी और किताब में आपने पढ़ा है, अब डायरेक्टली यू हैव व्हाट जंप टू द कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, लेकिन आपने पूरा सवाल नहीं पढ़ा, आपकी अंडरस्टैंडिंग यहां पर नहीं है। तो बी केयरफुल इन दिस वन। यहां पर आपके पास पॉइंट क्या आया है, यहां पर आया एनेमिकल, कहते हैं किसको, जिसको आप कहते हैं किसी के साथ नफरत के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, उसके लिए दुश्मनी बोगस के लिए, लेकिन इस्तेमाल हुआ है अपोजिट मीनिंग। यहां पर आपके पास क्या है, आपके पास अपोजिट है, तो अपोजिट के लिए हम हेल्पफुल का हमारे पास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट वन हमारे पास है The collector and magistrate dash done the work. बहुत सिंपल सा ट्रिक है। The trick is whenever you have the और आपके पास noun one and आया और आपके पास noun two, it means ये दोनों एक ही बंदे हैं। Verb must be singular. अगर यहाँ पर भी आपके पास आर्टिकल होता तो फिर यहाँ पर प्लूरल होता, लेकिन यहाँ पर द नहीं है इसलिए हम प्लूरल की तरफ नहीं जाएंगे, वी हैव टू व्हाट गो फॉर सिंगुलर वर्ब। तो ऑप्शन आपके पास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सेकंड। एनी डैश फर्नीचर, नाउ विद अनकाउंटेबल नाउन्स इसके साथ हम कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। दूसरा कलेक्टिव नाउन्स के साथ, सम ऑफ द कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव नाउन पर हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि हमारे पास किस किस के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल हो सकता है किसके साथ, लेकिन यहाँ पर आपके पास आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर है डी इज द करेक्ट वन। द ज्यूरी डैश गिवन द वर्डिक्ट, अगेन कलेक्टिव नाउन जब भी आपके पास आ जाए, कलेक्टिव नाउन
तो कलेक्टिव नाउन आपके पास सिंगुलर वर्ब भी लेता है और प्लूरल वर्ब. जब आपके पास एज अ होल आइडिया हो, गो फॉर सिंगुलर वर्ब. और अगर आपके पास कोई सेपरेशन की बात हो, कोई डिवाइड या डिवीजन की बात हो, गो फॉर प्लूरल. अब यहाँ पर कोई सेपरेशन या डिवीजन की बात नहीं है, ये एज अ होल बात हो रहा है. तो हमारे पास यहाँ पर जो है ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, द ज्यूरी हैज, इज द राइट वन. द नंबर ऑफ सेल्स विद क्रोमोसोमल एबरेशंस अमंग 100 वेल स्प्रेड मेटाफेजेस डैश रिकॉर्डेड. बहुत सिंपल सा है. व्हेनेवर यू हैव द वर्ड द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ के साथ हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, और अ नंबर ऑफ, अ मेजॉरिटी ऑफ, इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सेकंड. ही हैज प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड हैज द एबिलिटी टू सर्व इन एनी कंट्रोलिंग बोर्ड. देखें यहां पर एबिलिटी इज द राइट ऑप्शन. MCQ next one है, she has the ability to explain things clearly and concise. देखे आपको मैंने बताया था, अगर आपको याद हो फेन बॉयज का, और फेन बॉयज में आपको मैंने सिंपल सा ट्रिक बताया. अगर यहाँ पर नाउन है, यहाँ पर भी नाउन, यहाँ पर एडवर्ब है, यहाँ पर भी एडवर्ब, अगर यहाँ पर एडजेक्टिव है, यहाँ पर भी एडजेक्टिव, अगर यहाँ पर वर्ब है तो यहाँ पर भी वर्ब होगा, अगर यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो यहाँ पर भी आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा. हियर आपके पास क्या है, वर्ब कौन सा लेता है, इट नीड्स, हमारे पास एडवर्ब लेगा. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट वन दैट इज द अपॉलोजीज एंड हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए अगेन अपॉलोजीज आता है, तो वर्ब एग्रीज विद द रियल सब्जेक्ट, रियल सब्जेक्ट के साथ एग्री होता है. तो हमारे पास यहाँ पर रियल सब्जेक्ट अपॉलोजीज प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम इस्तेमाल करेंगे प्लूरल वर्ब. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट वन, हिज वर्क सफर्ड बिकॉज ऑफ हिज टोटल एब्जॉर्प्शन डैश. हमारे पास ये फिक्स प्रीपोजिशन है, जिस तरह एबाइड के साथ बाय आता है, हमारे पास सुपीरियर के साथ टू, सीनियर के साथ टू, इसी तरह हमारे पास कवर के साथ विद, कंटेन के साथ इन, सेम इज द केस ऑफ दिस वन. तो यहां पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. एब्स्ट्रूस का मानी होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बहुत मुश्किल, यहां पर आपके पास ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन. द पुलिस डैश इन्वेस्टिगेटिंग हिम एज एन एसेसरी टू द मर्डर ऑफ हैविंग प्लॉटेड एंड प्लान. बहुत सिंपल सा है, जब भी आपके पास थ्री पीस आ जाए, थ्री पीस हमेशा आपके पास प्लूरल होंगे. थ्री पीस आपके पास कौन से है, पीपल, पुलिस एंड पब्लिक, ये आपके पास हमेशा प्लूरल होंगे. अगर आपने पुलिस मैन या मिन कर लिया तो फिर हम जाएंगे सिंगुलर प्लूरल अकॉर्डिंग टू मैन और मिन की तरफ जाएंगे. यहाँ पर पुलिस है तो हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट वन है, ही वॉज चार्ज विद बींग ए नेसेसरी डैश. तो अगेन यहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन है, फिक्स प्रीपोजिशन के बारे में हमारी डिटेल से डिस्कशन हुई है. फिक्स प्रीपोजिशन का दूसरा नाम है एपोजिट प्रीपोजिशन या अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन. यहाँ पर आपके पास आता है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट वन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस. कंपिटिटर्स शुड अराइव टू वीक्स अर्लियर टू गेट. यहाँ पर देखिए अगेन दिस इज फिक्स प्रीपोजिशन. जब फिक्स प्रीपोजिशन आप प्रीपोजिशन को देखेंगे कि हमारे पास कौन सा प्रीपोजिशन, अगर एबाइड आ जाए, एबाइड के साथ हम ऑफ का इस्तेमाल, विद का इस्तेमाल नहीं करते, बाय, यहां पर भी हमारे पास क्या है, फिक्स प्रीपोजिशन है. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. और लास्ट एमसीक्यू है हमारे पास, एज सम ट्रेडिशनलिस्ट कंप्लेन द मोर आउटरेजियस द आर्ट डैश मोर लाइकली द क्रिटिकल एक्यूलेट. यहां पर देखिए बहुत सिंपल सा है, जब भी आपके पास डबल कंपैरेटिव आ जाए, कौन सा आ जाए, डबल कंपैरेटिव, तो डबल कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड जब दो दफा सेंटेंस में आ जाए तो दोनों अल्फाज के साथ, इस वर्ड के साथ भी आपने द इस्तेमाल करना है और यहां पर भी आपने द का इस्तेमाल करना होगा. फॉर एग्जाम्पल, द हायर यू गो द कूलर इट इज, यहां पर पॉइंट आपके पास कौन सा हो जाएगा, हमारे पास है द मोर आउटरेजियस, यहां पर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द मोर. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. थैंक यू.